अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। आज बना रहे हैं हम बथुए के पराठे। तो बथुए के पराठे बनाने के लिए हमने लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, धनिया, थोड़ा सा काला नमक और ये अजवाइन, और थोड़ा सा अदरक लिया है हमने, और ये हरी मिर्च है। तो इन सबको हम पीस कर इनका पेस्ट बनाएंगे। और ये हमने भतुआ लिया हुआ है, ये हमने साफ कर लिया है और अब हम इसको काटेंगे। भतुआ को हम अच्छा बारीक ही काटेंगे। ये देखिए तरीके से हम बथुआ काटते जाएंगे। और हमारी रेसिपी पूरी देखें प्लीज। सर्दियों के मौसम में ही बथुए के पराठे अच्छे लगते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे भतुआ। ये देखिए हमने काट लिया। ये देखिए भतुआ बिल्कुल बारीक हमने काट लिया। अब हम इसको पानी में डाल देंगे। और हम एक बर्तन लेंगे और हमने एक कटोरी आटा डाल दिया। ये देखिए हम इसमें नमक डालेंगे सादा वाला, और हमने थोड़ा काला नमक भी डाला है, आपने देखा पहले। और अब हम इसमें ये जो भतुआ लिया है हमने, इसमें ये भी डाल देंगे। हमने भतुए को पहले भी धो लिया था और कटने के बाद भी धो लिया है। ये देखिए हमने डाल दिया, और बहुत ही टेस्टी बथुए के पराठे लगते हैं। ये देखिए आप। और अब जो हमने पेस्ट बनाया है वो भी डाल देंगे इसी में। और इसको अब हम मिलेंगे, तो पहले हम इसको मिलाएंगे, इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेंगे इसको, जो हमने पेस्ट लिया था वो मिला लिया है। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके गूंदेंगे। ये देखिए आप इस तरह से अपने आटे को गूंद लेंगे। आटे को सख्त नहीं करना है, जैसे अपन लोग रोटी का आटा रखते हैं उसी तरह से इसको भी गूंदेंगे। और ये देखिए आटा, देखिए ये हमने गूंद दिया है। और अब हम आटे को थोड़ी देर के लिए रख देंगे, पर रखने से पहले हम आटे पर थोड़ा सा तेल लगा देंगे। ये हमने तेल लगा दिया। और हम इसको अब ढककर कम से कम एक घंटे के लिए रख देंगे। तो एक घंटे बाद देखते हैं और फिर बथुए के पराठे बनाते हैं। ये देखिए
एक घंटे से ज्यादा ही हो गया है और आप देख सकते हैं हमारा आटा कितनी अच्छी तरह से एक सा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा आटा लेंगे। हमने आटा ले लिया। अब हम एक कटोरी में, ये देख सकते हैं आप, हमने एक कटोरी में एक चम्मच बेसन लिया है और बेसन में हम एक चम्मच घी डालेंगे और इसको मिला लेंगे। इस तरह से हमने मिला लिया। घी जमा है इसलिए ऐसा है। अब इसको हम साइड में रख लेंगे और अब हम आटे की लोइयां करेंगे। तो हमें लोई छोटी नहीं बनाना है, हम लोई मीडियम ही बनाएंगे। यहाँ पे हमने तवा रख दिया है गैस पे और अब हम पराठे बेलेंगे। ये देखिए हमने लोई बना ली है और अब हम बेलेंगे। अब हम पराठा इसी तरह बेलेंगे। ये आप देखिए बेटी, अब हम इसमें इस तरह से घी लगा लेंगे। बहुत ही अच्छा लगेगा पराठा और आप बार बार आपका मन भी करेगा बनाने का। ये देखिए अब ये देखिए आप, हम इस तरफ से कट लगा लेंगे और इस तरफ से कट लगाएंगे। ये हमने दोनों साइड से कट लगा लिए। अब हम पराठे को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आप देखिए हमने कैसे फोल्ड किया, इस तरीके से हमने फोल्ड किया और हम इसको भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए आप, हमने फोल्ड कर लिया। अब इसको भी हम बेलेंगे। और ज्यादा पतला नहीं बनाएंगे, मीडियम ही रखेंगे पराठे को। और अब हम इसको सेकने के लिए डाल देंगे। ये देखिए अब हम घी लगा देंगे। जैसा आप घी लगाना चाहें, रिफाइंड में सेकना चाहें, आप रिफाइंड में भी सेक सकते हैं, मगर हम घी में सेकेंगे। और स्लो गैस पर ही सेकेंगे। ये देखिए हमारा, जब तक पराठा ये सिक रहा है तब तक हम दूसरा पराठा फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए
होल्ड करने के लिए ये देखिए इसको भी हम इस तरीके से कट लगाएंगे। मैंने कट लगा लिए और पहले एक पुर्थ, फिर दूसरी पुर्थ और फिर ऐसे और इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। ये देखा आपने, ये देखिए आज की हमारी रेसिपी भतुआ पराठा कैसे लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।